जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 7.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, मतलब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपका लगेगा। तो इसमें पहला सवाल कहता है 2, 3, 4, 1। सबसे पहले आप ये समझ लो सीधा सीधा कि दूसरे से इसको माइनस करना है और इससे इसको माइनस करना है ना। पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को ऐसा समझ लो, पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को, है ना। या तो ऐसा समझो कि पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को, कुछ भी समझो, सीधा ये ट्रिक अपनाओ। अब इसमें जो है तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम, तो ये मान लेते हैं, देखो ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2 लिखने का तरीका। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक। X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर इक्वल Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको दो चीजें देखनी है कि मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, यहां ए बी बराबर लिखेगा, है ना, या पी क्यू मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। पर मेरी ट्रिक आप ध्यान में रखना कि अगर इसको पहला मानते हैं तो पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को, बस ये दिमाग में रखना, आप बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी इक्वल X2, देखना है 4 से 2 को प्लस, अब इसी से यहां चलेंगे ऐसा, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, ठीक, -2 आएगा क्योंकि बड़ी नंबर के तरफ साइन माइनस है। इक्वल टू 2 जाए 4 ही होगा, और -2 बार गुणा करेगा ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल आपका हो जाएगा √8। अब 8 का वर्गीकरण आप लोग करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पेयर बना, तो ए बी इक्वल आपका हो गया 2√2, यूनिट इकाई, हिंदी वाले इकाई लिख देंगे ऐसा। मतलब इसमें है कुछ नहीं, आप सीधा सीधा सवाल लिखो। सवाल लिखने के बाद ये आप मेरी बात बिल्कुल पक्का ध्यान देना कि पहले से पहले को दूसरे से घटाना है ना, इधर से गिनना है आपको। अगर आप ये पहला मानते हो तो ये पहले, इसका पहला ये होगा, पहले से पहले को दूसरे से दूसरे, है ना, आपके सोच के ऊपर। अगर इसको आप पहला मान लेते तो पहले से पहले को दूसरे से दूसरे, बस इतना ध्यान देना, आपका बिल्कुल काम फिट हो जाएगा। और सूत्र जो है आप लगा सकते हो इसे। दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये सूत्र सब में काम देगा तो नहीं मिटा रहा हूं बार बार। दूसरा नंबर कहता है -5, 7 और -3, -1, 3, ठीक है, वही काम करना है। मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो ए बी इक्वल हो गया है आपका, वैसे भी बता चुका हूं कि इसको आप X1 मानना, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2, ऐसा भी समझ लो, चाहे ऐसा जैसा भी आपको समझ में आए। तो ये -1 और माइनस, देखना क्या हम बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते, -5 का होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 3, -7 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब ए बी इक्वल इसको ऐसा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल ये भी हो जाएगा फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर, तो इसको सोलह लिख लो यहीं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये सोलह ये भी हो जाएगा, ये भी सोलह हो गया। बच्चे ये ध्यान देंगे कि माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, है ना, संख्या वर्ग का स्क्वायर नहीं, उसका साइन का भी स्क्वायर है। तो ए बी इक्वल क्या हो गया 32। अब 32 का हम वो करते हैं अगर, तो पांच बार लिखेंगे, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, इसमें कितने का जोड़ा बना दो का, तो चार दो दूनी चार बाहर आया, अंडर रूट ये यूनिट या हिंदी में इकाई ऐसा, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर देख लेते हैं हम, तीसरा नंबर देखो कहता है ए बी माइनस ए और माइनस बी, इसको ए खंड मान लेते हैं, इसको बी खंड मान लेते हैं, यहां ए बी बराबर फार्मूला लिख दिए, तो ए बी इक्वल आपका हो गया ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, तो एक्स टू का मान माइनस वन ए और ये भी माइनस ए का स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान माइनस बी है और फिर माइनस बी का स्क्वायर, दो माइनस दो चिन्ह एक सामने आमने नहीं लिखे जा सकते, आप ये बिल्कुल नोट कर लेना, उसमें आप बड़ा ब्रैकेट लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आया टू ए स्क्वायर, बी भी माइनस टू भी हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल, समझ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस दो भी, लेकिन अगर दोनों माइनस में हो साइन किसका लगता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस टू ए लेकिन माइनस का ही, मतलब दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस का साइन, और यह तो बड़ी संख्या का साइन लिया जाता है, ये हो गया फोर ए स्क्वायर, ये भी हो गया फोर बी स्क्वायर, क्यों हो गया, क्योंकि माइनस भी दो बार गुणा किया वो प्लस हो गया, माइनस दो बार गुणा किया उसका भी प्लस हो गया, दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, अब इसमें दिमाग ये रखना है अगर गलती से आपने इसको जोड़ दिया तो भी गलत है, क्योंकि समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं, चर समान है नहीं। अब इसमें क्या बनेगा कॉमन, तो कॉमन बना तो फोर ए प्लस बी का वो सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, ठीक है। देखो ए बी इक्वल ये फोर का आप निकाल लिए टू आया, ठीक है, ये अंडर रूट में फंसा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें जो है आप देखोगे कि अगर होल स्क्वायर बनता है दोनों का तो इसमें ये बाहर आ जाता, लेकिन बाहर नहीं आएगा, हाँ अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रही बात, इस तरह आपका ये पूरा क्वेश्चन बना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस प्रश्नावली का, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड 36 15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। मतलब कहता है कि पहले तो डिस्टेंस फाइंड करो, दो पॉइंट है, और इसके बाद 7.2 एक एग्जाम्पल है, चित्र है, उसके अंदर दो मतलब टाउन्स कस्बों का दूरी ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे बिंदुओं 0 और 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, और इसके बाद
देखो इसमें हल नंबर टू इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिखेंगे तो पहला पॉइंट जीरो है और दूसरा पॉइंट 3615 है, ठीक है। इसको हम पूरा ए मान लेते हैं, इसको पूरा क्या मान लेते हैं बी। ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये वाई टू हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल आपका हुआ एक्स टू कितना है 36 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 15 माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक। तो ए बी इक्वल 36 में जीरो घटाओगे तो भी 36 ही आना है कि नहीं आना है, तो 36 का स्क्वायर बचा और इसमें 15 का स्क्वायर बचा। अब जो है तो ए बी इक्वल आपका हो जाएगा 36 गुणे 36 मतलब 36 अहम, तो 36 छम 36 की छह हासिल 3 छत्री 18 3 21 और 36 त्याई 108 तो 6 9 2 1296 और प्लस 15 15 225, ठीक। तो ए बी इक्वल आपका बनेगा 6 5 11 की 1 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 1521, ठीक है। और 1521 किसका वर्गमूल हो सकता है 40 से तो मान लो उधर ऊपर हो गया, 39 का देखो 9 9 81 9 3 27 27 8 35 3 9 27 की 7 हासिल 2 3 3 9 2 11 1 2 3 1 4 1 5 1500। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 39 यूनिट आर इकाई हिंदी मीडियम इतना लेना। अब इसको जो है आप उसमें एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में उसमें भी ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आपका आ जाएगा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ठीक समझ में आ रही बात ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 1 समरेखी हैं। डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स 1 2 1 5 2 3 एंड -2 11 इज कोलिनियर। पहले इसको बात समझो आप, कोलिनियर का मतलब क्या है, संरेखी का मतलब क्या है। संरेखी मतलब एक ही अगर रेखा पर एक से अधिक बिंदु स्थापित हों, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये कहता है कि दोनों बिंदुओं का योग, मध्य बिंदुओं का योग ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, तो वो बिंदु संरेखी माना जाता है, कोलिनियर माना जाता है। अगर इसको आप समझ गए सवाल 100% लगा लें। संरेखी का मतलब, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही रेखा पर दो से ज्यादा बिंदु मतलब स्थापित हो, और अनुपात है ए बी बी सी बराबर ए सी हो, एक कोलिनियर है। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसमें 3 है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मान लो हल नंबर 3, ये 1 5 हो गया, फिर इसके बाद 2 3, इसके बाद -2 -11, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है, पहला ए फिर दूसरा बी फिर तीसरा सी। ये देखो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। लेकिन जब इसकी गिनती शुरू होगी तो ये फिर से जो है मतलब ये x1 नहीं नहीं इसको रहने दो, इसको x1 और y1 मान लो, ये x2 y2 रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही, मतलब ये x1 y1 x2 y2
और फिर एक्स वन बाई वन, तो इधर से भी गिनोगे तो एक्स टू बाई टू ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, पहले ए बी, तो ए बी जो है सूत्र एक बार लिख लो इसमें, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मान मैंने क्या बताया, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तो टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस और बाई टू माइनस बाई वन, तो थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल आपका बना वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, बड़ी संख्या की तरफ माइनस है ना, ये बेसिक क्लास का है, इसमें वन हो गया, दो दूनी चार हो गया, तो ए बी बराबर आपका आ गया अंडर रूट फाइव। यूनिट लिख दो, इकाई लिख दो, ना लिखना हो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमको बी सी निकालना है, तो बी सी निकाल लें, तो बी सी बराबर एक बार आप फार्मूला लगा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स टू एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, तो एक्स टू क्या है टू और एक्स वन क्या है माइनस टू। तो मैंने क्या कहा कि दो साइन कभी भी आमने सामने नहीं लिखे जा सकते, उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। प्लस बाई वन और बाई टू, तो बाई टू क्या है इसमें तीन, फिर माइनस और इसका भी माइनस इलेवन, मतलब इसमें भी बड़ा ब्रैकेट आप लगा सकते हो का स्क्वायर, ठीक, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ऐसा लिख देता है, बड़े बड़े शब्द तो दिखाई देगा। देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा, प्लस बाई 2 क्या है 3 है, फिर माइनस और फिर माइनस आ गया, तो दोनों माइनस आमने सामने नहीं रखे जा सकते, अब बिल्कुल 100% आप ये जान लो। तो BC बराबर आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, अब तोड़ दो, तो चार का स्क्वायर और तीन प्लस ग्यारह का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां, तो ये दो और दो जुड़े चार, ग्यारह है ना, तो बीसी बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट चार का स्क्वायर प्लस चौदह का स्क्वायर। तो बीसी बराबर आपका हुआ चार चौको सोलह प्लस चौदह चौदह एक सौ छियानबे चौदह का स्क्वायर। तो बी सी बराबर आपका हुआ अंडर रूड दो सौ बारह, कितना हुआ दो सौ बारह यूनिट या इकाई। अब आपका ये दोनों निकल गए, दोनों को आप एक जगह लिख लो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मतलब सवाल बड़ा है, इसकी अपेक्षा बोर्ड छोटा पड़ रहा। तो इसमें एक कमान आया ए सी बराबर ए बी बराबर अंडर रूट फाइव और बी सी बराबर आपका आया है अंडर रूट दो सौ बारह, और बाकी मैं साफ किए देता हूं। अब आगे जो है, अब हमको क्या निकालना है ए सी, तो ए सी निकालने के लिए यहां भी बदलते रहना, सॉरी यहां यहां भी बी सी पहले लिख, सूत्र एक बार लगा दियो कोई दिक्कत नहीं, एसी लिख दे। अब एसी बराबर, अब ए और सी लेना है, क्या लेना है ए और सी, तो अब इसमें एक्स वन बाई वन, ये एक्स टू बाई टू बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो एक्स टू मतलब माइनस टू प्लस वन, सॉरी माइनस वन का स्क्वायर प्लस बाई टू, ये बना माइनस इलेवन और माइनस फाइव का स्क्वायर, ठीक। तो ए सी इक्वल क्या आया, ये माइनस थ्री का स्क्वायर हुआ और माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर हुआ। तो ए सी इक्वल आपका हुआ थ्री थ्री जा नाइन और सोलह सोलह हम दो सौ छप्पन। तो ए सी बराबर अंडर रूट नौ छः पंद्रह दो सौ पैंसठ।
अब यहां देखो कि क्या इन दोनों को जोड़ने पर यह मिल सकता है, तो नहीं, क्योंकि समान करणी जुड़ती है और समान करणी घटती है, वो जुड़ेंगे ही नहीं। तो इसमें हम ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, करणी 5 प्लस 212 नॉट इक्वल अंडर रूट 265। अब ये इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला, यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। इंग्लिश में लिख दोगे कि दिस इज नॉट कोलिनियर, है ना, यह संरेखी नहीं है। समझ में आई बात, फिर मैं समझाता हूं। संरेखी के लिए आपको दो चीज चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, आप रख लेना। अगर किसी एक बिंदु पर दो से ज्यादा पॉइंट हैं तो उन दोनों मध्य बिंदुओं का योग उसके लास्ट बिंदु के मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप लोग कर सकते हो। तो मैं ये आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।